की वीडियो में हम लोग पानी से स्टोव चलाएंगे। तो चलिए चला के देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम बॉल को इस पानी में डालेंगे, पानी इधर आएगा और फिर स्टोव चलेगा, उम्मीद की गई है। नहीं जल रहा है, एक बात तो भूल ही गया, पानी तो घर में होता ही नहीं है, पानी जिन गैसों से मिलकर बनता है वो फ्लेमेबल होती है। तो चलिए सबसे पहले पानी से वो गैसें बनाते हैं, फिर अपना स्टोव जलाएंगे। तो पानी से फ्यूल गैस बनाने के लिए हमें चाहिए एचएटू रिएक्टर। यहाँ पर हमारे पास चार एचएटू रिएक्टर हैं। ये पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। आपको पता होगा कि पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है। एचएटू रिएक्टर सिंपल डीसी करंट पर चलते हैं। एक एचएटू रिएक्टर 3 वोल्ट 12 वोल्ट 3 एम्पीयर का है। तो यहाँ पर हमारे पास चार है। और अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा जानना है तो इस पूरे टॉपिक पर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और वैसे अगर आप ये वाले एचएचयू रिएक्टर खरीदना चाहो तो इनका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप ले सकते हैं। वीडियो स्पॉन्सर्ड है, आपको एक बात बता दूं। चलिए पहले आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूं। यहां पर हमारे पास चार एचएचयू रिएक्टर हैं और एक लाइटर है और ये पीक है, इसमें डालेंगे इससे पानी। एक बबलर है, ये कुछ पाइप है इनका कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम इसमें पानी डालते हैं, फिर इनका कनेक्शन करेंगे। स्टोव है ये, हमने थोड़ा जुगाड़ लगा के बनाया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है जो वो नॉर्मल स्टोव पर नहीं जलती है, जिस पर हम मीथेन इथेन और ब्यूटेन जलाते हैं। ये पानी है, चलिए सबसे पहले इसमें पानी डालते हैं। तो यहाँ पर हमने अपने एचएचयू रिएक्टर के अंदर पानी भर दिया है। चलो अब इनका आपस में कनेक्शन करते हैं। यहाँ पर कनेक्शन हो गया है, चलिए बबलर के अंदर पानी डालते हैं। इसलिए है कि अगर कभी कुछ होता है तो हमारा ये स्टोव सेफ रहेगा। तो अब हम अपने स्टोव को इस बबलर पर ऐसे लगा देंगे, इसके ढक्कन को, क्यों ये हमारा स्टोव है, देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि ऐसे जो नॉर्मल स्टोव पर नहीं जलती, अगर आप उस पर जलाएंगे तो बैकफायर हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे, सारा सिस्टम को कंट्रोल करने में मुझे, मतलब हाइड्रोजन को कंट्रोल करने में मुझे पूरे 8 दिन लगे, 8। तो यहाँ पर एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमने इन चारों का कनेक्शन कर दिया है, इन चारों की गैस स्टोर होके इस बॉल से होते हुए इस बबलर में आएगी, ये हमारा बैरियर का काम करेगा। और ये हमारा स्टोव है, यहाँ पर हमने छोटी छोटी बहुत सारी बॉलों को जोड़ा है और ये सुई है स्ट्रिंग इसका, ये स्ट्रिंग जो डॉक्टर लोग हमें लगाते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़े होल में अगर हमारे ट्रेन को जलाएंगे तो बैकफायर हो जाएगा। चलिए अब इसको चला कर देखते हैं। बबल्स आने लगे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। चलिए जला कर देखते हैं इसको, उम्मीद है धमाका नहीं होगा इस बार। और ये देखिए यहाँ से गैस आ रही है, बबलर में जा रही है, आपको बबल्स दिखाई दे रहे होंगे। और ये हाइड्रोजन जल रही है, यहाँ पर काफी सर्दी है, सुबह के 4 बज रहे हैं, थोड़ी सी गर्मी ले लेता हूँ।
बात आपको बता दूं कि ऐसे जो हमारा भविष्य है, क्योंकि ये आपके एलपीजी से काफी सस्ता है। एलपीजी आप 2.5 महीने में जो पैसे देते हैं, ये उन्हीं पैसों में 9 महीने तक चल सकता है, क्योंकि सिंपल हमें इसमें पानी डालना है। बात आती है स्पॉन्सर की, तो इन्होंने हमें स्पॉन्सर किया। ये किट वैसे बाइक के लिए बनाई गई है, हमने इनसे स्टोव जलाया वो एक अलग बात है। चलो इस पर कुछ पकाते हैं, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।